तो भैया अभी रेस्क्यू करेंगे हम बुलेरो को। ऐसा हो गई थी कि सांस ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे खेचरी पड़ रही है, पर अभी शायद जाने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो भैया अभी जो है लगभग 9 बजने वाले हैं, 8:30 के करीब हो रहा है टाइम। सो जग तो गए हैं सुबह यार, मतलब रात में जो नींद थी ना, मतलब विशु को सही आई, विशु गाड़ी में सोया। तो कैसी आई प्रिया? ठीक थी, डिस्टर्ब थी, पर बीच में ऐसा आया कि वो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं ना। तो हमने जो इसके अंदर जो वो लगाया ना, एक जो क्या कहते हैं, एक थर्मल जो इसका थर्ड लेयर लगाई, वो क्या है वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है एयर को। और इन्होंने फिर बीच में वो शुरू में हीटर भी चला दिया था, तो कोई हवा ही नहीं आ रही और तीन लोग सोए। तो ऐसा हो गया था कि सांस ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे खींचनी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने वो खोला, खींची नहीं आ रही थी सांस, नॉर्मली बहुत तेज चल रही थी, मतलब बॉडी इतनी ज्यादा काम कर रही थी ऐसा लग रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने उसको खोला, मैंने कहा भाई सांस नहीं आई ना, मैं सोचा ये दोनों तो चुपचाप पड़े हुए ना, कुछ हो नहीं रहा। फिर मैंने पूछा सांस नहीं आई ना, मैंने कहा ये भी हाँ, मैंने कहा तो इनको भी ऐसे हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने खोला, पर वो खोल दिया तो मैंने पूरे खोल दिया। उसके बाद फिर ठंड लगी थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद। उसके बाद मैंने फिर ऊपर वाली जो लेयर थी बंद, मतलब जो ऑलरेडी जो टेंट है वो सही है, जो अलग से हमने एक और लेयर लगाई ना उसकी जरूरत नहीं थी रात में यहाँ पे, वो वाली बात है। बाकी अगर उसे लगाओ भी तो लगता है एक साइड से थोड़ा सा खोल के रखो, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, इधर बहुत दिक्कत होती है। तो अभी चलो सुबह के नज़ारे दिखाते हैं तो कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं मॉर्निंग के, धूप आ चुकी है भाई चारों तरफ, बढ़िया धूप आती है एकदम कड़क है ना, ठंड नहीं है बिल्कुल, हवा भी नहीं चल रही, रात में भी हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो यही था, अगर हवा भी तेज़ चल रही होती ना तो फिर एक बार काम चल जाता, फिर इधर उधर हो गया हवा उसमें घुस जाती, पर हवा ही नहीं चल रही तो वो वाली बात है। 11:30 हाँ, हमने रात में वन फायर वगैरह भी किया था, मतलब ये हमारे वाला नहीं है, ये उन लोगों ने किया था, हमारा उस साइड हमने वहाँ किया था गाड़ी के उधर। बाकी वो जो है तो अपने पड़ोसी वो भी जग चुके हैं, जल्दी जल्दी पैक करते हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं। आज के मतलब एक दिन का यहाँ पर हमारा स्टे था, रात मतलब रात थी। अब जो है या तो हम उदयपुर जाएंगे या फिर हम जो है यहाँ से ये रोड है ये सीधा उधर ले के लिए जाता है, तो या फिर हम सोच रहे एक बार चेक कर लेते क्या पता जाने दें, तो अगर जाने देंगे तो निकल जाएंगे ले। तो ये दोनों गाड़ी का जो टेंट है वो फोल्ड हो चुका है, इसका भी और उसका भी। अब इसकी ओनिंग रह गई है, तो ओनिंग से पहले इसका जो सारा सामान है वो पूरा का पूरा सेट करना पड़ेगा गाड़ी के अंदर, उसके बाद ओनिंग सेट होगी। तो भैया गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर दी है और लगभग अभी 9:49 हो रहे हैं हमें, वैसे मतलब लग रहा है कि गाड़ियाँ जा रही हैं, शायद 10 बजे से पहले एंट्री है वहाँ पे। तो ये चेक करने के लिए हम जा रहे हैं डारचा कि भैया अगर जाने देंगे तो हम सिंकुला या फिर बारलाछा होते हुए ले पहुँच जाएँ। तो देखते हैं, ट्राई मारते हैं, वैसे 10 बजे तक का टाइम है, 10 मिनट में तो पहुँच नहीं पाएंगे। तो भाई अभी हम जो है जिस्पा ही हैं, मतलब ये वाला जो हम जिस्पा से हमने कैंप किया था ना, वो जिस्पा से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले था, अब ये है पूरा मेन जिस्पा। सो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं वही अपना डारचा साइड में, देखते हैं। अभी परमिशन वर्मिशन हमने कुछ लेनी है, पर सुबह बहुत सारी गाड़ी जा रही थी जैसे मैंने बताया था, तो बस उसी एक होप में जा रहे हैं कि भाई क्या पता हमें जाने दें, है ना। कौन से पेड़ आते हैं सूखे सूखे से, बहुत सुंदर है वो पेड़ आते हैं सूखे सूखे डारचा में, कौन से पेड़ आते हैं? पेड़ नहीं आते, वो चले चले से अजीब से पेड़ आते हैं, पेड़ नहीं आते वो तो पहाड़ी होते हैं, ऐसे पत्थर वाले नुकीले पहाड़ वाले। पहले थोड़ा सा इस साइड पड़ते हैं वो, चलो देखते हैं, पता नहीं कौन से पेड़ बता रही है। डारचा में तो पुल आता है बस, वहाँ से अभी देखते हैं अगर जाने देंगे तो सही है, नहीं तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा, और वापस आके फिर हम जाएंगे उदयपुर। तो यही है आज का प्लान, वैसे अभी देखो कोई स्नोफॉल वगैरह की कोई आसार है नहीं, वैसे है ना। ऐसे ही प्लान एक्साइटिंग लगते हैं जिसमें कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं क्या हो रहा है, वरना बिल्कुल क्लियर रहता है यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ना 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 ऐसे ऐसे ही मजा आता है। अच्छा जी, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ये भी वही अच्छा। है जो कह रही थी कल मुझे बिठा दोगे तो चली जाऊंगी यार, कोई बिठाए तो पैसे भी दो, पैसे भी दे देंगे यार, ट्रक में बिठा देते हैं किसी में, यहाँ से ट्रक जा रहे हैं ट्रक में बिठा देते हैं, हाँ। तो भाई डारचा तो पहुंच गए, पर अभी शायद जाने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, शायद यही है। बाकी देखो अभी तनवीर भाई बात कर रहे हैं, विशु भी क्या है, तो ये लोग दोनों बात करके आएंगे फिर पता चलेगा क्या हिसाब किताब है, शायद एंट्री करवा के जाने दे रहे हैं या क्या है, पर मुझे तो लग रहा है शायद मना ही कर रहे हैं, क्योंकि और हमारे अलावा कोई गाड़ियाँ दिख नहीं रही, जितनी गाड़ी थी सब चली गई, कहाँ गई वो सब, और कोई दिख नहीं रही मुझे। हाँ नहीं, हमारे इस लाइन में कोई नहीं है, ये तो साइड में 2-4 गाड़ियाँ हैं बस, सुबह से बहुत गाड़ी आ रही थी, एंट्री तो होनी थी, मुझे लग रहा मना ही कर रहे हैं वो हाथ से सारे से, तो जाके देखते हैं बाकी क्या हिसाब किताब है। तो भाई कल का और आज का ये सीन है, वो ये कह रहे हैं कल जा सकते हैं जांसकर बिना परमिशन के, कल वन वे है इधर से जांसकर जाने देंगे, आज उधर से आने दे रहे हैं, और अभी हम दीपक ताल तक घूमने जा सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं दीपक ताल तक तो चले जाएँ और फिर देखते हैं। ये कह रहे हैं दीपक ताल से आगे नहीं, आगे जिद मत करना जाने की, नहीं जीत की क्या बात है इसमें, मतलब जाने दे रहे हैं, जीत मत करना, दीपक ताल तक तो जाने ही दे रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा। और कल जांसकर भी जाने दे रहे हैं बिना परमिशन के, वन वे है, यहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे, ये वाला रोड अभी पूरा खुला नहीं है, ले वाला बारह लच्छा और ये वाला क्या
बर्फ पड़ी हुई है हाँ, पर जांच करके खुल गया है, वन वे हो गया है। आज उधर से आ रहे हैं, कल इधर से जाएंगे बिना परमिशन के, तो कल हम यहाँ आ जाएंगे फिर जाने देंगे। वैसे तो हम दीपक ताल पे बहुत बार आए हैं, लेकिन इस बार मुझे सबसे ज्यादा सुंदर लगे। इस बार बर्फ है ना, इस बार साइड में बर्फ है और पानी थोड़ा साफ है। आई थिंक सन की पोजीशन भी सही है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा सही लग रहा है। फोटोज बहुत अच्छे आएंगे। जो नए नए बच्चे हैं वो करा सकते हैं, जाएं अपनी गर्दन के ये जुगाड़ उतारें और फोटो खिंचवा लें। तो कृपया गाड़ी साइड में आ जाओ भाई, आलस मार रहे हैं विशु जी, नहीं नहीं गाड़ी साइड में लगा लो ना तुम, वो उतर गए ना, वो लोग तो उतर गए। चलो चलो। तो दीपक ताल पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम एकदम निकल गए हैं, क्योंकि एक भैया ने बोला कि शायद आगे रास्ता थोड़ा सा खुला हुआ है। श्योर नहीं थे वो इस बारे में, बट फिर भी उन्होंने बोला कि जहाँ तक खुला हुआ है वहाँ तक आप ट्राई कर सकते हो। आगे बोले पुलिस वाले भी हैं, अगर वो वहाँ से जाने भी देंगे तो भी पता चल जाएगा। हाँ, तो हम ले पहुंच सकते हैं अगर वो जाने देंगे तो, वरना वापस आना पड़ेगा। ओके चलो। वैसे मुझे बारालचा से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरी मेमोरीज बहुत खराब है, बहुत उल्टी हुई थी। इस बार मैं गोली लेके आई हूँ, इसीलिए उल्टी का पूरा पत्ता लेके आई हूँ कि बस उल्टी ना हो, क्योंकि मेरी ट्रिप खराब हो जाती है उल्टी होती। तो ये अपनी गाड़ी आने के बाद रुक गई है इस चेक पोस्ट से, आगे अब नहीं जाने दे रहे हैं। बारालचा भी तो बहुत आ गया यहाँ से, लगभग होगा 20-25 किलोमीटर, जिससे आगे जा नहीं सकते। वही कह रहे हैं भैया कि कल सिंगुला होते हुए जाओ, सिंगुला से पदुम और फिर पदुम से अपना कारगिल होते हुए ले। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई। स्नोफॉल बताओ भाई, मैं स्नोफॉल हो रहा है क्या हो रहा है। अरे उधर से गाड़ियाँ तो आ रही हैं यार, ट्रक भी आ रहे हैं उधर से, वन भी बना रखा है क्या भी। तो भैया अभी रेस्क्यू करेंगे हम बुलेरो को, आज इसका पहली बार यूज होगा इसका। एक भाई को दे दो। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे, इतनी दूर से भाग के आए हैं हेल्प करने के लिए। बस हो गया, चलो ये काम आ गया फाइनली। रखा रहता था बेचारा। निकाल के फिर ऊपर, फिर दोबारा फिर घुसा दो एक और बार। टायर ना, टायर लाइन में मत लेना, ऊपर नीचे लेना। फिर निकालेंगे एक और घुसा के। भैया ये कह रहे हैं बस हम फंसा तो देंगे दोबारा, निकाल देना हमारी गाड़ी। मैंने कहा कोई बात नहीं, फॉर्च्यूनर भी फंस जाएगी तो एक इसुजू भी है हमारे पास। वो गाड़ी आगे करी गई है जिससे ये भगा के उसको फंसा सके वहाँ पे। अब वो भी पीछे करवाई जाएगी जिससे और अच्छे से फंसाई जा सके पीछे करके। अब जनता ले तो जा नहीं पा रही, तो यही इंजॉय चल रहा है सबका, यही बर्फ में स्नोमैन बना रहे हैं, यही खेलने में लगे हुए हैं। भाई हमारी गाड़ी की ना, ये भाई जो हमारी गाड़ी की जब से रील पर रील बनाया जा रहा है, ये आज वायरल कर देगा भाई। मैं अपना बैग ले लूंगा साथ में।